कौन सी एक्ट्रेस इस बार बाहुबली 3 की वेब सीरीज में नजर आ सकती हैं, चाइल्ड और मिडिल एज रोल में? क्यों ये एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होने वाला है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स और उनकी फिल्मों के बारे में अपडेट डालें तो आप उसे सबसे पहले जान पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आपको तो हमने बताया ही था कि SS राजमौली चाहते हैं कि इस बार बाहुबली 3 वेब सीरीज में लीड रोल में आए टीवी एक्ट्रेस टर्न मूवी एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर। राजमौली को लगता है कि मृणाल ठाकुर इस रोल के लिए सही रहेंगी, क्योंकि मृणाल ठाकुर ऑलरेडी एक वॉर फिल्म कर रही हैं और आज अपनी मेहनत और टैलेंट की बदौलत उन्हें राजमौली जैसे डायरेक्टर एक इतना बड़ा रोल सौंप रहे हैं। हालांकि उन्हें इस रोल के लिए अभी तक साइन नहीं किया गया है। बाहुबली 3 को ब्रिटिश नेटफ्लिक्स सीरीज द क्राउन के स्टाइल में बनाया जाने वाला है। द क्राउन के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 सीजन में क्वीन एलिजाबेथ 2 के यंग एज को दिखाया गया है, जिसमें क्लेयर फॉय नजर आई थी। फिर नेक्स्ट 2 सीजन में मिडिल एज क्वीन का किरदार दिखाया गया है, जिसमें ओलिविया कोलमैन नजर आई, और अब सीजन 5 में एक और ओल्ड एज एक्ट्रेस नजर आएंगी। उसी तरह बाहुबली 3 को भी 6 सीजन में बनाया जाने वाला है, जिसमें से शायद 3rd एंड 4th सीजन में हमें मृणाल ठाकुर दिख जाए। फर्स्ट एंड सेकेंड सीजन में कोई चाइल्ड आर्टिस्ट और फिर एक टीनेज आर्टिस्ट नजर आने वाली हैं, जिसमें वो राजमाता शिवगामी के यंगर वर्जन में नजर आएंगी। चाइल्ड आर्टिस्ट में से अभी तक कोई भी इतना पॉपुलर नाम सामने नहीं आया है। पहले भी चाइल्ड आर्टिस्ट 90s में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। इस बार छोटी राजमाता शिवगामी को ढूंढने में काफी मुश्किल होने वाली है। आजकल तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का प्रोफेशन बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। कई सारे चाइल्ड आर्टिस्ट तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के जरिए ही डिस्कवर हुए हैं। फिर अगले 2 सीजन में राम्या कृष्णन भी नजर आ सकती हैं, क्योंकि उनके किरदार को उनसे बेहतर भला कौन निभा सकता है। मगर शायद ऐसा नहीं होने वाला। राम्या कृष्णन को वेब सीरीज के प्रति कोई झिझक नहीं है, क्योंकि वो खुद क्वीन वेब सीरीज में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु की एक्स चीफ मिनिस्टर और एक्ट्रेस जयललिता का मिडिल एज रोल किया था। राम्या कृष्णन लेकिन पहले कर चुकी रोल को दोबारा नहीं करना चाहती, और शायद इस बार इस रोल में साउथ एक्ट्रेस नादिया नजर आ सकती है। नादिया हाल ही में आ में समांथा की मॉम के रोल में नजर आई थी। इस चॉइस के ऊपर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।